सो हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंतकाम गेमिंग। सो गाइज, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एंड गाइज, आप लोगों को पता है कि हमारे गेम में जो है फाइनली ओबी 35 का अपडेट आ चुका है। एंड इस अपडेट में जो आप लोगों को काफ़ी सारे चेंजेस देखने के लिए मिले होंगे, जैसा कि मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ। सो गाइज, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड एंड में दे दूंगा। सो आप लोग जाके वहाँ से देख लेना। सो गाइज, आप में से बहुत सारे बंदों ने गेस किया होगा कि जब ओबी 35 का अपडेट आया उसके बाद से हमारा जो पहले थोड़ा बहुत हेडशॉट लग भी रहा था गेम में, अब तो वो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। सो गाइज, आप लोग चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर आपको अपना सेंसिटिविटी कितना रखना है, क्यों, जिससे कि आप लोग का जो है हेडशॉट वो बिल्कुल इंक्रीज हो जाएगा एंड आप लोग का हेडशॉट एकदम परफेक्ट लगेगा। सो गाइस, इस वीडियो में आप लोगों को जो है हाई एंड डिवाइस एंड अगर आपके पास लो एंड डिवाइस है दोनों के लिए मैं एक बेस्ट सेंसिटिविटी बताने वाला हूँ। हाई एंड डिवाइस मतलब कि अगर आपके पास 6 GB रैम या 8 GB रैम का मोबाइल फोन है, एंड लो डिवाइस में जैसे कि आपके पास 2 GB, 3 GB, 4 GB रैम का फोन है, तो लो एंड डिवाइस में वो तीनों आता है एंड हाई डिवाइस में ये दोनों आता है। सो अगर आपके पास इन दोनों में से कोई सा ही फोन है तो आप लोग समझ लेना, क्योंकि मैं वीडियो में लो डिवाइस एंड हाई एंड डिवाइस का बात करने वाला हूँ, ना कि रैम रोम आप लोगों को बताऊंगा। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं छोटे से इंट्रो के साथ। तो सेंसिटिविटी में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जनरल की, क्योंकि जनरल जो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल मैटर करता है हेडशॉट मारने के लिए एंड आपके फ़ोन की सेंसिटिविटी के लिए। सो गाइज, आप लोगों के पास अगर हाई एंड डिवाइस है तो आप लोग सेंसिटिविटी को जो 97 एंड 100 के बीच एक बार रख के देख लेना। आप लोग 98 एंड 99 भी कर सकते हो, आप इन तीनों के बीच में खुद से ट्राई करके देख लेना आखिर आपके फ़ोन के लिए कौन सा बेस्ट सेंसिटिविटी है। अगर आपके पास लो एंड डिवाइस है तो आप लोग इसको बिल्कुल भी कम मत करना, आप लोग को जनरल को जो इसमें ऑलवेज 100 करके रखना है, क्योंकि लो एंड डिवाइस का जो सेंसिटिविटी है वो पहले से ही रहता है, जो देन अगर आप लोग उसको कम कर दोगे तो वो और भी कम हो जाएगा। जनरल के बाद बात कर लेते हैं रेड डॉट की, क्योंकि रेड डॉट जो है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि जनरल के बाद आता है, ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है अगर आप लोग हेडशॉट मारना चाहते हो किसी भी प्लेयर को। अगर आपके पास हाई डिवाइस है तो आप लोग को रेड डॉट ऑलवेज 80 रखना है एंड अगर पास लो एंड डिवाइस है तो आप लोग 85 रख लेना। तो गाइस, जब बात कर लेते हैं 4x की, देन गाइज आप लोगों के साथ बहुत बार ऐसा सिचुएशन होता होगा कि बंदा जो है मतलब कि सामने वाला बंदा बहुत दूर में खड़ा होता है, जिससे कि अगर हम लोग विदाउट स्कोप के उसके हेडशॉट मारना चाहते हैं तो नहीं लगता है, देन आपको इसको इन करके उसके ऊपर फायर करना पड़ता है। लेकिन उससे होता है कि आप लोग का ज़्यादातर गोली जो है वो बॉडी शॉट पर जाता है। अगर आपके पास 4x लगा हुआ है तो लो एंड डिवाइस में 85 रख लेना एंड हाई डिवाइस में इसको 80 कर लेना, देन आपका जो है 4x लगाकर जब भी आप किसी भी एनिमी के ऊपर फायर करोगे देन आपका जो है हेडशॉट ईजिली लग जाएगा। 4x के साथ साथ आपको 2x में भी सेम सेंसिटिविटी रखना है, आपको 2x में भी जो है लो एंड डिवाइस में 85 रख लेना एंड हाई एंड डिवाइस में 80 रख लेना। 2x, 4x एंड रेड डॉट इन तीनों को आप लोगों को सेम ही रखना है हाई एंड डिवाइस एंड लो एंड डिवाइस में, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। सो गाइज, अब बात कर लेते हैं स्नैपर स्कोप की। मैं जानता हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो कि स्नैपर यूज नहीं करते एंड मैं खुद इसको यूज़ नहीं करता हूँ, स्नैपर गन को बहुत ही कम यूज़ करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को स्नैपर स्कोप बता देता हूँ, क्योंकि स्नैपर का जो है कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है जिस टाइम पे अगर आप लोग बरमूडा मैप खेलते हो देन उस टाइम पे आपको कोई और गन नहीं मिलता है, उस टाइम पे अगर आपको स्नैपर गन मिल जाता है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो स्नैपर स्कोप में आप लोगों को जो इसकी सेंसिटिविटी को लो एंड डिवाइस अगर आपके पास है तो 45 रख लेना, हाई एंड डिवाइस है तो 40 रख लेना। एंड इसके बाद भी अगर आप लोगों का हेडशॉट नहीं लगता है तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग्स में चले जाना है एंड वहाँ पे जाके पॉइंटर स्पीड को फुल कर लेना है। उसके बाद आप लोग देखना कि आपका हेडशॉट जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, पहले से जो आप लोग का हेडशॉट नहीं लग रहा था वो लगना स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइज, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइज, मैं आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता हूँ तो आप लोग चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते हो। सो गाइज, ऐसा मत करो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। सो गाइज, मैं इतनी मेहनत करूँ तो आप लोग भी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना क्यों छोड़ देते हैं। एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिसको इस सेंसिटिविटी की ज़रूरत है। सो गाइज, आप लोग कमेंट कर देना कि आप लोगों को आखिर नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो मतलब कि क्या चाहिए। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।